हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नई शुरुआत हो रही है। आज हम प्री रिकॉर्डेड स्लाइड से पढ़ रहे हैं। इस तरीके की टेक्निक अक्सर एमबीए कॉलेजेस, आईआईएम्स वगैरह अपनाते हैं, बट इलाहाबाद में हम भी ये शुरू करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और इलाहाबाद में पहली बार ये प्री रिकॉर्डेड सेशन आपके सामने पेश हुआ है। तो आपको सामने दिख रहा होगा, लिखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो नाउन से हम ये टॉपिक शुरू करेंगे। और नीचे आप देख रहे होंगे लिखा है पार्ट वन, डेफिनेशन एंड टाइप्स। और इसके साथ आपके हाथ में एक शीट होगा, शीट के ऊपर भी लिखा होगा नाउन, और उसकी पहली हेडिंग होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उन सारे शब्दों को अधिकतम 8 भागों में बांटा जा सकता है, और वही 8 भाग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उनमें हैं कौन कौन से 8? सबसे पहला है नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन, और सबसे लास्ट में इंटर सेक्शन। तो इन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा फोकस है नाउन पे, और इस नाउन चैप्टर को 5 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। आप देख सकते हैं टॉपिक नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कौन से 5 पार्ट? पार्ट ए या पार्ट नंबर 1, डेफिनेशन एंड टाइप्स। पार्ट नंबर 2, नाउन एंड नंबर, जिसमें आप सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट में नाउन की डेफिनेशन और नाउन के कितने प्रकार हैं, केवल ये पढ़ेंगे। और सेकेंड पार्ट में आप जानेंगे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना नाउन एंड नंबर में। थर्ड, नाउन एंड इट्स पॉजिटिव केस, इसमें आप अपास्ट्रॉफी के बारे में पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में आप रूल्स से आ जाएंगे, और रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक चौथे पार्ट में हम कवर करेंगे। और पांचवें पार्ट में फिनिश हो जाएगा रूल, रूल नंबर 5 से रूल नंबर 8 तक। तो नाउन चैप्टर कुल 5 दिन चलेगा, और इसे 5 पार्ट्स में बांटा गया है। आज पार्ट ए में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले ही मैंने बता चुका है। टुडे इन पार्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। आज हम नाउन को समझेंगे, क्या है नाउन, इसकी डेफिनेशन जानेंगे, और इसके कई जो टाइप्स हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं ये चैप्टर। व्हाट इज नाउन, प्रश्न उठता है नाउन क्या है। तो एक बार मैं लाफ्टर चैलेंज शो देख रहा था, और वहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू ने नाउन के बारे में बोला था कि कुत्ता भी होता है अपनी गली का किंग, कुत्ता भी होता है अपनी गली का किंग, और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन की सबसे पहली परिभाषा आपने भी यही पढ़ी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये न्यूलाइट इन जनरल इंग्लिश करके बुक आती थी, उसमें ये डेफिनेशन दी हुई है क्लास 6 में। बट वास्तव में एसएससी और बाकी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते समय आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉलो करना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो किसे मानता है जो ऑक्सफोर्ड में दिया होता है। तो देखते हैं नाउन क्या है। जैसे आप देख रहे हैं सामने स्वामी विवेकानंद जी, तो स्वामी विवेकानंद क्या है, एक नाउन है, क्योंकि ये इनका नाम है। आप देखिए ये ताजमहल बहुत ही फेमस जगह है, आगरा में है। तो आगरा एक शहर का नाम होगा या एक स्थान का नाम होगा, और आगरे में एक स्थान है ताजमहल। तो पहला एक पर्सन है विवेकानंद, दूसरा एक प्लेस है आगरा, तीसरे में आप देख रहे हैं फुटबॉल, एक ये वस्तु है और इसका नाम क्या है, फुटबॉल, और चौथे में एक दिमाग और बल्ब बना हुआ है, ये दिखा रहा है आइडिया को। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं कि नाउन में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। कौन सी 4 चीज़ें? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। तो ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग
और एनी आइडिया। अब आप अपनी कॉपी का सेकंड पेज ओपन करिए। इसमें ऊपर थोड़ा सा नाउन को समझाया गया है कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से, और नीचे लिखा हुआ है डेफिनेशन, और डेफिनेशन के पास जो खाली स्थान है उसमें आप इस डेफिनेशन को लिखिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। नोट इट डाउन, आप इसे लिख। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। तो आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या है। नाउन किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी विचार का नाम है। एक दूसरी बुक है, नाम तो नहीं याद आ रहा है मुझे, उसने भी बड़ा सुंदर डेफिनेशन दिया है नाउन का। नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज जिसका नामकरण संभव है वो नाउन है। लेकिन हम ऑक्सफर्ड की डेफिनेशन को लेकर चलेंगे जो ऑक्सफर्ड में है, आपको कॉपी में यही नोट करना है। फिर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, तो आपकी शीट में ये नोटेड डाउन है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल समझेंगे कि नाउन को हम पांच प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार हैं नाउन के? कुल पांच प्रकार। ये ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, न कि अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में केवल तीन प्रकार हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग नाउन के पांच प्रकार हैं। कौन से वो पांचों? सबसे पहला प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। दूसरा कॉमन नाउन, जिसमें पूरे समूह का बोध हो। तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसमें समूह का बोध हो। मटेरियल नाउन, जो किसी कच्चे पदार्थ को दिखाए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि भाव को दर्शाए। इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, आपके शीट में ये पहले से लिखा है। तो नाउन के पांच टाइप हो गए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए इनको ठीक से समझते हैं, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि कौन सा नाउन किस प्रकार में जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस, ठीक है? आपके शीट में बना हुआ होगा थर्ड पेज में, बट अभी आपको लिखना नहीं है, पहले समझना है। पहले आप देखिए प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मीन्स इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, किसी विशेष। और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, इसमें किसी विशेष व्यक्ति स्थान का बोध न होकर एक वर्ग या जाति का बोध होता है। जैसे आप अपनी शीट में इंग्लिश डेफिनेशन भी देख पा रहे होंगे, जो यहाँ स्लाइड में नहीं लिखा है लेकिन आपके शीट में लिखा है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर वर्ड इज देयर, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो या तो पर्टिकुलर पर्सन हो, या पर्टिकुलर एनिमल हो, या पर्टिकुलर वस्तु हो, या प्लेस हो। और आप कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखिए, अ कॉमन ग्रुप इज नेम गिवेन इन कॉमन, एक सामान्य नाम जो दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब आप इसे नोट कर लीजिए, प्रॉपर नाउन की तरफ प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, कॉमन नाउन की तरफ कॉमन नाउन का डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन, इसमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु तथा स्थान का बोध होता है, बोध होता है। कॉमन नाउन में आएंगे, इसमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु इसमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध न होकर
एक वर्ग या जाति का बोध होता है। एक वर्ग या जाति का बोध होता है। तो हिंदी डेफिनेशन के नीचे इंग्लिश डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है, बस खाली जगह बचा हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स का। तो आइए समझ एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दो कॉलम बन गया है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन की तरफ अभी आप लिखेंगे नहीं, पहले तीनों एग्जाम्पल समझ लेंगे, फिर तीनों आप एक साथ लिखेंगे। पहले देखिए कॉमन नाउन में एग्जाम्पल है स्टूडेंट। तो जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट, तो क्लास में मैंने किसी खास बच्चे को बोला या आप में से सब पे ये लागू हुआ? निश्चित रूप से ये सब पे लागू हो रहा है। तो ये किसी खास पे लागू ना हो के सामान्य रूप से सब पे लागू हो रहा है, तो स्टूडेंट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही मैं किसी स्टूडेंट का नाम ले लूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया राकेश कुमार, तो राकेश कुमार क्लास का हर बच्चा नहीं है, राकेश कुमार कोई खास बच्चा है। तो स्टूडेंट कॉमन नाउन, राकेश कुमार प्रॉपर नाउन। ठीक, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी तीनों समझ लीजिए। ठीक वैसे ही देख लीजिए सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक, ये कोई भी सैनिक हो सकता है। तो सोल्जर कॉमन नाउन, और अगर मैंने बोल दिया मेजर संजय, तो ये खास सैनिक है, तो ये प्रॉपर नाउन। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, फिर लिखिएगा। सिटी शहर, इलाहाबाद भी शहर, बनारस भी शहर, लखनऊ भी शहर, आगरा भी शहर, दिल्ली भी शहर, पुणे भी शहर। तो सिटी कॉमन नाउन, लेकिन अगर मैं खास शहर का नाम ले लूं, जैसे मैंने कहा इलाहाबाद, तो ये प्रॉपर नाउन। अब जल्दी से नोट करो आप। कॉमन नाउन में स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन राकेश कुमार। कॉमन नाउन सोल्जर, प्रॉपर नाउन मनोज मेजर संजय, सॉरी। कॉमन नाउन सिटी, प्रॉपर नाउन इलाहाबाद। तो अब सामने फिर से स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे, आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। आइडेंटिफाई कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, आपको पहचान के बताना है कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन। शीट मन नहीं पढ़ेंगे आप, सामने स्क्रीन पे देखेंगे। शीट पे जो भी लिखा हुआ है वो घर पे आराम से पढ़ेंगे, वो शीट आपको घर ले जाने के लिए दे दी जाएगी। चलिए, ये सामने आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी। अब आप बताइए यूनिवर्सिटी कॉमन नाउन होना चाहिए या प्रॉपर नाउन? यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, इट्स अ कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, क्या ये दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है या एक खास यूनिवर्सिटी है? हाँ, ये खास यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रॉपर नाउन। चलिए एक छोटा सा और आपका टास्क। प्लेयर कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? कोई भी हो सकता है प्लेयर, सचिन, विनोद कांबली, विराट कोहली, इवन फुटबॉल के भी प्लेयर हो सकते हैं। तो प्लेयर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा विराट कोहली, तो ये कौन सा नाउन है? यस, इट्स अ प्रॉपर नाउन। मुझे पूरी उम्मीद है कि नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड हेडिंग पे, वो है कलेक्टिव नाउन। तो आप शीट पे देख रहे होंगे थर्ड है कलेक्टिव नाउन, और उसकी डेफिनेशन के लिए जगह खाली छूटा हुआ है, बट अभी लिखना नहीं है, अभी आपको समझना है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाउन विच डेनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन। ऐसा नाउन जिससे ये पता चले कि एक समूह को दिखा रहा है, और जो पूरा का पूरा समूह एक जैसा ही बर्ताव करे। ठीक है, आप पहले लिख लो इसको, फिर समझते हैं। कलेक्टिव नाउन, नाउन विच डेनोट्स, नाउन विच डेनोट्स
अ ग्रुप और कलेक्शन, अ ग्रुप और कलेक्शन, नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन। चलिए अब आप सामने स्क्रीन की तरफ देखेंगे, एग्जाम्पल्स आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आर्मी वर्ड, तो आर्मी नाम सुनते ही क्या दिमाग में आ रहा है, केवल एक सैनिक या सैनिकों का पूरा समूह, तो आर्मी मीन्स कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का पूरा समूह, तो आर्मी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल आर्मी डैश देकर, डैश देकर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ओ दिस इज अ टीम, टीम किसका कलेक्शन होता है, टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। तो सेकेंड एग्जाम्पल आप लिखिए टीम, टीम इज कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। अच्छा ये क्यों कलेक्टिव नाउन है, अगर अकेले प्लेयर ने बहुत बढ़िया खेला और टीम हार गई तो वो भी दुखी होता ही नहीं होता है, बिल्कुल वो दुखी होगा, क्योंकि अल्टीमेट मायने ये रखता है कि टीम ने क्या किया, तो इसी वजह से ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कुछ आपको मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा जो आपको नोट करना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप सामने स्क्रीन पे देखिए, ये मवेशियों का समूह है, मवेशी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटल, और कैटल के समूह को, मवेशियों के समूह के लिए जो कॉमन नाउन है वो है हर्ड, HERD। तो नोट करिए, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, ऐसे नोट करिएगा, ये नहीं लिखिए कि हर्ड कलेक्शन ऑफ कैटल, नहीं, अ हर्ड ऑफ कैटल से आपको समझ आ जाएगा कि हर्ड किसका कलेक्टिव नाउन है, कैटल्स का, अ हर्ड ऑफ कैटल। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए फिगर में, ये गट्ठर है, तो गट्ठर किसका कलेक्शन नाउन होता है, अनाज का, तो गट्ठर की इंग्लिश होती है शेफ, अ शेफ ऑफ ग्रेन, तो शेफ कलेक्टिव नाउन है ग्रेन का, अ शेफ ऑफ ग्रेन। तीसरा पक्षियों का समूह, क्या बोलते हैं पक्षियों के समूह को, फ्लॉक, FLOCK। तो आप तीसरा एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह। पीछे पेज पलटिए, खाली जगह है उधर लिखिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चौथा ये जजों का समूह है, जजों के समूह को बोला जाता है ज्यूरी, अ ज्यूरी ऑफ जजेस। चारों ये नोट कर लीजिए, चार आपको और नोट करने हैं, कुल आठ कलेक्टिव नाउन यहां पे नोट करने हैं। पहला अ हर्ड ऑफ कैटल, दूसरा अ शेफ ऑफ ग्रेन, तीसरा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चौथा अ ज्यूरी ऑफ जजेस, जजों का समूह ज्यूरी, पक्षियों का समूह फ्लॉक, अनाज का गट्ठर शेफ, मवेशियों का समूह हर्ड। ये है लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी के गट्ठर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है बेल, BALE, तो अ बेल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर, अ बेल ऑफ वुड। मधुमक्खियों का समूह, इसको बोलते हैं स्वार्म, अ स्वार्म ऑफ बीज, BEES, बीज मतलब मक्खियां, मधुमक्खियों के समूह के लिए लिखिए अ स्वार्म ऑफ बीज। और ये सबसे मजेदार वर्ड, उल्लुओं का समूह, उल्लुओं के समूह को क्या बोलते हैं, दैट इज पार्लियामेंट, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। अब आपको समझ में आ गया
कि पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं? अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। और सबसे अंतिम कलेक्टिव नाउन जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं, जो लिस्ट आपने अब तक लिखी, ये है शेर का समूह। और शेर के समूह को हम बोलते हैं प्राइड, PRIDE, अ प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का झुंड। तो आपने लिख लिया होगा ये चारों, अ बेल ऑफ उड, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ प्राइड ऑफ लायंस। तो ये था कलेक्टिव नाउन। अब तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो चौथा नाउन कौन सा है? मटेरियल नाउन। इसके पहले हम मटेरियल नाउन पढ़े, कलेक्टिव नाउन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लेना है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा किसकी तरह करेंगे? एक वचन की तरह करेंगे। आप नोट देख सकते हैं, आपकी कॉपी में नोट पहले से लिखा है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा एक वचन की तरह किया जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए जगह खाली है, तो पहला एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, द टीम इज प्लेइंग वेल। यहाँ टीम के साथ इज लगाया आर, इज, क्योंकि टीम कलेक्टिव नाउन है, भले कई सारे प्लेयर हैं लेकिन इज यूज होगा। नोट कर लीजिए, द टीम इज प्लेइंग वेल। दूसरा कलेक्टिव नाउन ये है ज्यूरी, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। मैटर पे कौन निर्णय ले रही है? ज्यूरी। तो फिर ज्यूरी के साथ भी यहाँ इज लगा, इसे भी नोट कर लीजिए, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो कलेक्टिव नाउन का यूज किसके तरीके से होगा? एक वचन की तरह, क्योंकि इसके सारे सदस्य एक जैसा बर्ताव करते हैं। लेकिन कभी कभार इनके बीच मतभेद भी आ जाता है, और अगर कभी इनके बीच मतभेद दिखाई पड़ जाए तब ये सिंगुलर नहीं रहेंगे। आपको भी देख सकते हैं आपके शीट में लिखा हुआ है, परंतु जब कलेक्टिव नाउन के सदस्यों में मतभेद हो या प्रत्येक सदस्य को अलग दिखाया जाए तो इसका प्रयोग बहुवचन की तरह होगा। एग्जाम्पल देखिए, द टीम आर डिवाइडेड ओवर इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। कप्तानी के मुद्दे पे आपस में लत्तम घुस्सम शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। अब जब लड़ाई शुरू हो गई तो टीम के साथ इज लगेगा या आर? आर। नोट करिए, द टीम आर डिवाइडेड, द टीम आर डिवाइडेड ओवर इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। क्यों यहां आर लगा? क्योंकि टीम में आपस में मतभेद हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। यहां पे ऑडियंस के हर मेंबर ने अपनी अपनी सीट ली, उन्हें अलग दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप देखिए बहुत जल्दी लिखना मत शुरू किया करिए, जब मैं समझा के छोड़ दूं तब लिखिए, बहुत लिखने की जल्दबाजी नहीं दिखाइए क्लास में। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, यहाँ हर दर्शक अपनी अपनी सीट पर ही बैठेगा, तो उन्हें अलग दिखाया जा रहा है प्रत्येक सदस्य को। तो यहाँ ऑडियंस साथ हैज न लगकर हैव लगा, प्लूरल माना गया। अब नोट करिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। तो कलेक्टिव नाउन के अगर सारे सदस्य एकजुट हैं तो सिंगुलर, और अगर सदस्यों में मतभेद हो गया या उन्हें अलग अलग दिखाना है तो प्लूरल। दोनों एग्जाम्पल आपने लिख लिया, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। तो अब आते हैं चौथे नाउन पे, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। चौथा नाउन कौन सा है? मटेरियल नाउन। आप सामने देख पा रहे हैं दो फिगर बना हुआ है, और लकड़ी पे लिखा हुआ है मटेरियल नाउन, और कुर्सी पर लिखा हुआ है कॉमन नाउन। तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि कोई भी पदार्थ है, कुर्सी, मेज, पंखा, सब मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पे आपसे गलती हो जाती है,
मटेरियल नाउन में केवल कच्चा माल आता है, बना हुआ माल नहीं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि लकड़ी कच्चा माल है और लकड़ी से बना हुआ है कुर्सी, तो बना हुआ माल जो होता है वो कॉमन नाउन है और कच्चा माल जो है वो मटेरियल नाउन। ठीक है, आपके कमरे में जो पंखा लगा है तो पंखा बना हुआ माल है, ये कॉमन नाउन होगा, और ये किससे बना है, लोहे से, तो आयरन मटेरियल नाउन होगा। तो चलिए मटेरियल नाउन में लिखिए, सीधा कॉपी पे नोट करिए, नाउन विच डिनोट्स रॉ मटेरियल, नाउन विच डिनोट्स रॉ मटेरियल। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे, इसमें कच्चे माल या कच्चे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें। इसमें इंग्लिश डेफिनेशन था, नाउन विच डेनोट्स रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कच्चा माल। हिंदी में लिखिए, इसमें कच्चे माल या कच्चे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें। एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी, वुड, चांदी, सिल्वर, प्लास्टिक, ये सब कच्चे माल हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, वुड, सिल्वर, प्लास्टिक, बहुत सारे हो सकते हैं रॉ मटेरियल। वुड, लकड़ी, सिल्वर, चांदी, प्लास्टिक, प्लास्टिक आप जान ही रहे हैं क्या है। नोट आपकी शीट पे भी लिखा हुआ है, और यहां मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि इनसे बनी हुई वस्तुएं, जैसे लकड़ी से बन गया चेयर, सिल्वर से बन गई ज्वेलरी, या प्लास्टिक से बन गया खिलौना टॉय, तो बनी हुई वस्तुएं कॉमन नाउन है, न कि मटेरियल नाउन। अगर वो बना हुआ है तो वो कॉमन नाउन, अगर वो कच्चा माल है तो वो मटेरियल नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या आती हैं, नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। वे संज्ञाएं जिन्हें आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ये गुण भाव एवं अवस्था को व्यक्त करते हैं। नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। वे संज्ञाएं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। आपके शीट पे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, पावर्टी, हंगर इत्यादि। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।